भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास के महानतम कप्तानों में शुमार दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की खबर का इंतजार सभी को था, लेकिन धोनी ने इंग्लैंड और वेल्स में खेले गए आईसीसी विश्व कप सेमीफाइनल मुकाबले के बाद से भारत के लिए कोई भी मैच नहीं खेला था। धोनी के 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। इस फैसले की उम्मीद लोगों को शायद पहले से ही थी, लेकिन अचानक ऐसा सुनकर सभी थोड़े हैरान जरूर हुए। धोनी की कप्तानी में 2007 आईसीसी टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का अहम हिस्सा रह चुके पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने अपने मन की बात कही है। दरअसल पूर्व कप्तान के संन्यास लेने के पीछे की वजह क्या हो सकती है, आरपी सिंह ने इस पर अपनी राय दी है। उनका मानना है कि धोनी को पिछले लंबे समय से बल्लेबाजी के ज्यादा मौके नहीं मिल पा रहे थे और वो पहले जैसे मैच को फिनिश भी करने में सफल नहीं हो रहे थे। इन्हीं सब कारणों ने उनको संन्यास का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। दरअसल आरपी सिंह ने एक बातचीत के दौरान कहा, बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाया। वो टी20 के बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे और बड़े टूर्नामेंट इंतजार कर रहे थे। उम्र और फिटनेस ने भी उनके फैसले के पीछे बड़ी भूमिका निभाई। अगर आप आईपीएल को अलग कर दो तो भारत की तरफ से खेलते हुए उनको वनडे में पिछले 12 से 15 महीने में शायद ही बल्लेबाजी दिखाने का मौका मिला हो। दरअसल आपको बता दें, साल 2019 में खेले गए विश्व कप में वो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करना चाहते थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और उनको निचले क्रम में बल्लेबाजी करने पड़ी। सेमीफाइनल मैच से पहले उनको शायद ही बल्लेबाजी करने का मौका मिल पाया। वो खुद भी उस तरह से मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे थे जैसा वो पहले किया करते थे। शायद इसी बात ने भी उनको इशारा दिया कि वो अब अपने आखिरी पड़ाव पर बढ़ रहे हैं और उनको अपने भविष्य के बारे में फैसला करना होगा। खैर, आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के पीछे आखिर क्या वजह रही होगी, तो हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूले। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।